धोती दुनिया का सबसे मुश्किल लिबास है. नॉट हेयरिंग यू. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन वॉक. मेरे लिए बहुत मुश्किल है. यू आर वॉचिंग मी लाइव. ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द साहिर शो. आई वांट टू थैंक टीम. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड शेर, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया. शेर इसलिए का, दूर से तुमको देख के डर लगता है.
करीब से ज्यादा लगता है. By the way, ladies and gentlemen, we're going to have a good show. लेकिन इस शो का एक थीम है, एक ऐसा थीम है जो इससे पहले शायद आपने कभी नहीं देखा. आज हम एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज भेजना चाहते हैं, एक ऐसा मैसेज जो पाकिस्तान में उन लोगों को जाना चाहिए जो लोग इख्तदार में हैं. आज इस शो की एंडिंग आप जरूर देखिएगा, बिकॉज आई प्रॉमिस टू गॉड, या तो हम पाकिस्तान को बेहतर करेंगे या बेहतर करते करते मर जाएंगे. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट्स व्हाट माय प्रॉमिस इज. और अभी इंतजार कीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं. एंड आई हैव गॉट दिस गांव का सेटअप, इसको देख लीजिए. यहां पर हमारे पास ये एक वेल भी है, एक ऑयल वेल भी है, नॉट ऑयल वेल, वाटर वेल भी है. और साथ साथ यहां पर एक हमाम के अंदर फजल मेरे फ्रेम के सामने से हट जाओ, तुम लोग भी हट जाओ, हट जाओ यहां से, हट जाओ, लाइव शो जा रहे हैं, हट जाओ. मैं आपको नाई की दुकान पर लेके चल रहा हूं, प्लीज यार मेरी धोती को देखते रहना प्लीज. आई स्वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. ये मेरे साथ यहां पर नाई मौजूद है और कहते हैं कि यार आदमी को इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए, बहुत मसाइल हो जाते हैं. आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर गांव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुड. आपका नाम क्या है? तो तुम दोनों साथी होते हो? लाइव शो में बहुत अच्छा. तुम लोग आप बैठ जाइए, खड़ी क्यों, खुदा का वास्ता बैठ जाए. आपको देख के ऐसा लगता है अचानक घर में मेहमान आ गए, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने भी गुड सोच रहे हैं. लेकिन सबसे पहले एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, पंजाब की सकाफत है, पंजाब का कल्चर है, चंद मेरे मखना, वो थोड़ा सा होना चाहिए. लेकिन सब लोगों ने एक एक शख्स गाना है. और मैं आपको बताऊंगा कि बैसाखी दरअसल एक मिनट के बाद ब्रेक है तो मुझसे कहा जा रहा है, ब्रीज करते हैं. बैसाखी क्या होती है? बैसाखी एक जमाने में मनाई जाती थी जब फसल कटती थी. इसके बहुत सारे प्रोसेस हुआ करते थे. जब फसल कटा करती थी, और लड़ाई भी हो गई बैसाखी के अंदर, लाइव शोज में अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं, खुदा का वास्ता. तो बैसाखी जो है वो इस तरह से हुआ करती थी कि जब फसल कटती थी तो घरों में खुशहाली आती थी, खुशी आती थी. और उस खुशी के मौके पे किसान गीत गाया करते थे, गिद्दा डाला करते थे, भांगड़ा आ गया, फिर उसके बाद मॉडर्न भांगड़ा आ गया. ये वो वाहिद त्यौहार आया जिसने शायरी को जन्म दिया, पोइट्री को जन्म दिया. लेकिन इसके पीछे और बहुत सारी चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हम बात करेंगे. आज एक बहुत स्ट्रांग मैसेज एट द एंड ऑफ दिस शो हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं, एक ऐसा मैसेज जो पाकिस्तान में हर उस शख्स को देना चाहिए जिनको किसान नजर आते हैं, जिनको जमीन नजर आती है. कहते हैं जमीन हमें खुशियां देती है, जमीन हमें फल देती है, जमीन हमें अनाज फराहम करती है, जमीन की वजह से हम पैदा होते हैं, जमीन की हिफाजत करते हैं और इसी जमीन में जाकर सो जाते हैं. लेकिन हम जान नहीं पाते कि इस जमीन का जो कर्ज है क्या वो हमने अदा किया है, इस किसान का जो कर्ज है क्या वो हमने अदा किया है. आज का शो Yes, absolutely, it's live. आप मुझे SMS कर सकते हैं, मैं आपके SMS पढ़ूंगा भी. लेकिन आप मुझे अगर कॉल करना चाहें, क्या हम कॉल करवा सकते हैं, प्लीज बताइए मुझे. आज हम कॉल नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको घड़ी दिखा सकता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये लाइव है. देख लीजिए प्लीज, ये देख लीजिए, 10:10 हो गए हैं. और आज क्या दिन है, क्या दिन है बताइए, क्या दिन है? 19 तारीख है. सो इट इज डेफिनेटली लाइव फ्रॉम लाहौर. ये शबाब स्टूडियोज है जिसको हमने इस गांव का रूप जो है वो दे दिया है. और इसी गांव में आप सबके साथ बैठे हुए हैं. अब आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश होने जा रही है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस का, बहुत सारे मराहिल का जिक्र है. ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चंद मेरे मखना, उसी पे ब्रेक पे चले जाएंगे. चले जाएं। Scientific
Chivita spring mattress. Sleep is as precious as a diamond. Dolce Vita. बार बार सिम बदलो इन बच्चों के साथ फिर मेरे उनको फाइनली मेरा ख्याल आया और वो ले आए नया नोकिया X101 नया नोकिया X101 दो सिम लॉन्ग लाइफ बैटरी टॉर्च और धमाकेदार साउंड नोकिया कनेक्टिंग पीपल हर रोज इमरजेंसी सिनेमा मेरी जिंदगी का हिस्सा है काम के दौरान और घर में भी ये सब मुझ पर भरोसा करते हैं इसीलिए मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती खास तौर पर आम दर्द और तकलीफ में तभी मैं इस बात का पूरा ख्याल रखती हूँ कि मेरे पास पैनाडॉल मौजूद हो पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडॉल दर्द में मौसर आराम दिलाए ताकि ये सब यूं ही मुझ पर हमेशा भरोसा करते रहें पैनाडॉल मेरा भरोसा तमाम दवाएं बच्चों के पास से दूर रखें तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान नया डेयरी उमंग आला क्वालिटी डेयरी जो है साफ महफूज और कीमत मुनासिब डेयरी उमंग से मिले सेहत भी बचत भी अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉक शॉक से नए इस्तेमाल किए तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी